हेलो फ्रेंड्स, मैं उषा फिकर कुक के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो आज मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ अपने किचन से। आज मैं आई हूँ यहाँ पर आंगनबाड़ी स्कूल में। ये गुजरात का तापी ज़िले का स्कूल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं उनको रोज़ आंगनबाड़ी स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से खाना खिलाया जाता है हेल्दी। तो देखिए, ये है आंगनबाड़ी स्कूल का किचन और यहाँ पर बन रहा है प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये बहुत ही हेल्दी खाना। यहाँ की बहुत ही अच्छी योजना है जो 7 प्रेग्नेंट औरत को रोज़ यहाँ खाना खिलाया जाता है। कुछ लोग हैं जो नहीं आते हैं तो, बट यहाँ पर बहुत ही हेल्दी खाना बनता है। मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, यहीं से गुजरती हूँ, तो मैं यहाँ देखती हूँ बहुत ही हेल्दी खाना बनाया जाता है। तो आज मैं इन्हीं के किचन का खाना शेयर कर रही हूँ। तो ये बना रही हैं फ्रांस बीन्स की सब्ज़ी और आलू की, और यहाँ की आंगनवाड़ी स्कूल की ये किचन की कुक यही हैं जो बना रही हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आज मुझे टाइम नहीं मिला कोई रेसिपी बनाने का, तो मैंने सोचा कि इन्हीं की रेसिपी आप शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की सरकार गर्भवती स्त्रियों को किस तरीके से खाना खिला रही है, उनके बच्चों को हेल्दी अंदर से बनाने के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए देखिए यहाँ पर अभी फ्रांस बीन्स की सब्ज़ी बन गई है। और ये अरहर की दाल बन लीजिए, यहाँ तो तुअर बोला जाता है, तुअर की दाल बन गई है। तो अब इसमें ये जो यहाँ किचन की कुक है, अब इसमें थोड़ा मसाला डालेंगी। ये हल्दी डाल दिया इन्होंने और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें डाल दिया इन्होंने लाल मिर्ची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मेरे आने से पहले यहाँ पर चावल पक चुका था, तो अब ये दाल भी पक गई है और आप देख पा रहे होंगे सब्जी पक रही है एक साइड में। और ये जो बहन है वो है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। इनके हाथों से मैंने भी खाना खाया, बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो सारा फाइनली यहाँ पर खाना बन चुका है और देखिए यहाँ पर अब थालियाँ लगाई जा रही हैं ये गर्भवती स्त्रियों के लिए। तो एक जो गर्भवती प्रेग्नेंट जो महिला है वो बैठ गई है खाना खाने के लिए। तो बाकायदे बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से खाना को भी परोसा जाता है। इतनी फैसिलिटी है यहाँ पर उन गर्भवती स्त्रियों को कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। और देखिए अभी 4 थाली लगी हुई है और धीरे धीरे प्रेग्नेंट महिलाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर 7 थालियाँ लग गई हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।